हाई एवरी वन वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑन वी ए आर सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आई एम आशीष बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मेल या व्हाट्सएप पर बोला है कि सर वी ए आर सी में बहुत इशूज़ आ रहे हैं आई दर दे आर फेसिंग इशूज़ इन एक्ूरेसी और दे आर नॉट एबल टू रीड द पैसेज फास्ट एंड देर आर सटे अदर टाइप ऑफ इशूज तो उन्हीं को टैकल करने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो तो सारे इशूज़ की मैंने एक लिस्ट बना ली है तो कॉमन फाइव थीम्स मैंने मैंने सारे इश्यूज़ को रखा हुआ है सो एक एक करके हम इश्यूज़ को देखते हैं देन विल ट्राई टू आंसर दोज इश्यूज सो फर्स्ट कॉमन इशू दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग इज दैट दे हैव अ स्लो रीडिंग स्पीड अब यू माइट बी नोइंग दैट आउट ऑफ थर्टी फोर क्वेश्चन इन वी ए आर सी ट्वेंटी फोर आर रिलेटेड टू आर सी तो वो आर सी पढ़ने में सारा टाइम चला जाता है तो दे आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन सेकेंड इशू इज हाउ टू इम्प्रूव वो

How to solve such kind of questions? So these are the broad five things that we are going to cover in this video. So let's start with the proceedings. But if you have not subscribed to this channel yet, do subscribe first because if you subscribe to this channel, you will get an access to our free WhatsApp preparation group, which a lot reading material given and we conduct regular quizzes in that. सो so, जल्दी से ये कर लीजिए उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले एजेंडा पॉइंट की तरफ विच इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो कितने मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल आ सकता है वी ए आर सी सेक्शन में सो दिस इज नॉट कैट ओवरऑल दिस इज ओनली फॉर वी ए आर सी सेक्शन सो इट हैज थर्टी फोर क्वेश्चन तो तीन साल का डेटा लिया है मैंने एक दो मार्क्स इधर उधर हो सकता है मोर लेस इट इज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो नाइनटी नाइन परसेंटाइज लाने के लिए इन कैट टू थाउजेंड सेवेंटीन यूर रिक्वायर्ड अराउंड सेवेंटी थ्री मार्क्स इन कैट टू थाउजेंड एटीन एट इज सेवेंटी फाइव मार्क्स एंड कैट टू थाउजेंड नाइन सिक्सटी फाइव मार्क्स दैट मीन्स कैट सेवेंटीन और एटीन दोनों सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के थे और कैट टू थाउजेंड नाइनटीन में वी ए आर सी की डिफिकल्टी थोड़ी हाई थी इसी की वजह से कट ऑफ कम गई है तो कुछ लोग सोचते हैं सर इजी पेपर आएगा तो अच्छा होगा डिफ़िकल्ट आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सो इट्स इट डजेंट मैटर वेदर द क्वेश्चन पेपर इज़ इजी और डिफिकल्ट जितना डिफ़िकल्ट होगा उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितना इजी होगा उतनी कट ऑफ हाई जाएगी इजी क्वेश्चन तो वैसे भी सब सॉल्व कर सकते हैं तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सही से तो प्रे करिए कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आए सो so दैट जिन लोगों ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की कम से कम वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे नाइन्टी फाइव परसेंट टाइल के लिए सेवेंटीन का स्कोर था फिफ्टी फाइव यहाँ पे था सिक्सटी और नाइनटीन में आ गया फिफ्टी तो अगेन नाइनटीन की वैल्यू थोड़ी कम है एंड सिमिलरली नाइन्टी परसेंट टाइल एंड एटी फाइव परसेंट आइल सो ब्रॉडली अगर बात करें इफ़ यू आर टारगेटिंग नाइन्टी नाइन परसेंटाइल सो यू शुड टारगेट समवेयर अराउंड सेवेंटी मार्क्स पिछले तीन साल का अगर पैटर्न देखें तो इफ़ यू आर टारगेटिंग नाइन्टी फाइव परसेंट आइल देन यू कैन

if you are targeting 99 if you are someone who is saying that i will be scoring around 99 percentile in vrc section then you should target around 24 25 23 such kind of net correct answer a total attempt in ibotram net correct similarly if you are targeting around 95 then you can somewhere around expect 18 to 19 net correct question इस पे आपका 95 फाइव परसेंटाइल आ सकता है अगर नेट आपके 18 टू 19 करेक्ट हो जाए तो एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर 85 फाइव एंड नाइन्टी परसेंटाइल तो आपका हर किसी का टारगेट स्कोर अलग अलग हो सकता है जिन लोगों को ये भरोसा है कि मैं क्वांट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हूँ डी आई एल आर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉग हूँ वी आर सी में थोड़ा कम भी आ जाए तो चलेगा सो दे कैन टारगेट अराउंड नाइनटी परसेंटाइल जिनको लगता है माई वी आर सी इज वेरी स्ट्रांग लेकिन क्वांट वीक है तो दे कैन टारगेट मोर इन वी आर सी अकॉर्डिंगली यू कैन मोल्ड योर स्ट्रैटेजी तो कितना आपको क्वेश्चन अटेम करने हो, से दो बार ऑलरेडी बोल चुका हूं थर्टी फोर क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ दीज थर्टी फोर टॉपिक्स आर रीडिंग कॉम्प्रीहशन देन वी हैव पैराजल्स देन वी हैव ऑर्ड वन आउट एंड फाइनली वी हैव पैराग्राफ समरी तो है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन होते हैं पैराजल्स के चार क्वेश्चन ऑड वन आउट के तीन क्वेश्चन और समरी के तीन क्वेश्चन दैट इज द पैटर्न फ्रॉम कैट 2015 थाउजेंड फिफ्टीन टू कैट टू तो पिछले चार पाँच सालों में तो यही पैटर्न है और यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस भी हैं न सेफली एज्यूम की ट्वेंटी ट्वेंटी में भी शायद यही रहेगा सो दीज आर दॉपिकॉर इन योर कैट ट्वेंटी ट्वेंटी अब इसमें भी सोर्स होता है वॉट इज अ सोर्स ऑफ आरसी तो यूजली दे गे आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज पेपर और आर्टिकल्स फ्रॉम मैगजीन और सम excerpt from the book these are the typical sources of these rc passages newspaper magazine mein kya kya pichle kuch saalon mein aaya so they are taking articles directly from the economist ab kuch log ye magazine padhte hi nahi this is a very high quality magazine थोड़ी महंगी आती है but अगर आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि direct इसी से RC उठ के आ जाए क्योंकि पिछले दो तीन सालों से आ रहा है देन दे हैव टेकन आरसीज फ्रॉम टाइम मैगजीन न्यूयॉर्क टाइम्स से भी आर सीज आए हुए पिछले एक दो साल में उसके बाद द गार्जियन एंड सो ऑन सो ऑल इंटरनेशनल पब्लिकेशन्स आर यूज वाइल टेकिंग द आर्टिकल्स उनके बेसिस पे दे आस्क जॉयर्स की बात करें तो दे मे आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंस और एनी आर्टिकल रिलेटेड टू फिलोसफी और एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स और सोशल साइंस और बिजनेस और इकॉनमी सो देर आर वेरियस टॉपिक्स जो जिनके ऊपर आर सी आ सकता है तो ऐसा नहीं है कि एम बी ए का एग्जाम में तो बिजनेस के ही सारे आर्टिकल्स आएंगे वेरियस फील्ड से आपको आर्टिकल्स दिए जाते हैं बट आर द टिपिकल सोर्सेस जिनको आप ट्राई कर सकते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग और मैगजीन रीडिंग की आदत थोड़ी डाल लीजिए क्योंकि उनसे डायरेक्ट कैट में आर सी आ जाते हैं तो ये हो गए हमारे टॉपिक्स एंड सोर्स अब बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए सो दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो आपके पास अभी रफली थ्री मंथ है आई वॉन्ट यू टू dedicate around 150 hours in these three months to VARC section. मान के चल रहा हूँ कि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है V A R so VARC A R को आपको 150 hours देना है इन the coming three months, so आपका per day का का time लगाएं तो it would be somewhere around 1.5 hours to 2 hours a day, roughly. बीच-बीच में मैं assume करूँ कि एक दो दिन miss भी हो जाता है, तो per day का average पॉइंट फाइव से टू आवर्स मान के चलिएगा सो यू विल बी एबल टू डिवोट रफली अराउंड दिस टाइम हैज़ तो इसमें आपको क्या करना है अब आपको थोड़ा ध्यान ये देना कि वी ए आर सी एंड क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एल आर डी आई डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं क्वांट इज कॉन्सेप्टी एर सी इज प्रैक्टिस बेस्ड तो अगर आपके पास छः महीने होते हैं, तो आई वुड हैव टोल्ड यू अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी बट सिंस द टाइम इज़ वेरी लेस नाउ सो आई वुड सिंपली आस्क यू टू जंप टू प्रैक्टिस तो वन पॉइंट आर टू टू आर में आपको क्या करना है यू नीड टू गिव सेक्शनल टेस्ट आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज हो या जो भी बुक हो आपके पास वन आर के उसमें सेक्शनल टेस्ट होते हैं हर एक टेस्ट सीरीज में तो ऑल्टरनेट डे पे आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं तो इफ़ अगर मैं रफली नाइन्टी डेज़ मान के चलूँ सो यू कैन कम्प्लीट फोर्टी फाइव टेस्ट ऑफ़ वन आर ईच तो उसमें एग्जैक्टली सेम कॉम्पोजिशन होगा क्वेश्चन का जो एक्चुअल कैट में होता है तो फोर्टी फाइव टेस्ट अगर आप देंगे तो एक टेस्ट में पाँच आर सी आते हैं सो फोर्टी फाइव में टू ट्वेंटी फाइव आर सीज हो जाएंगे एक टेस्ट में टेन वी आर सी के क्वेश्चन वी ए के क्वेश्चन होते हैं तो फोर फिफ्टी वी ए के क्वेश्चन हो जाएंगे वो अवेलेबिलिटी सो टिल कैट यू नीड टू सॉल्व अराउंड टू ट्वेंटी फाइव आर सीज एंड फोर फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी इसके बाद यू विल डेफिनेटली फील इम्प्रूवमेंट इन योर वी ए आर सी सेक्शन अगर दो सौ पच्चीस आर सी करने के बाद भी कोई बोल रहा है कि मेरा तो आर सी अभी भी वीक है देन यू शुड सीरियसली कंसिडर वेदर यू नीड टू अपीयर फॉर कैट एट द फर्स्ट प्लेस क्योंकि अगर इतने आर सी करने के बाद भी किसी का कुछ नहीं हो रहा है तो आपको भैया एग्जाम चेंज करना पड़ेगा फिर कैट इज़ नॉट फॉर यू so i'm telling it in a very crude language but this is what the reality is the 45 sectional test in 90 days 450 va ke question 225 rc ke question that should be a time table 1.5 to 2 hours per day aapko lagana hai ab maine alternate day pe kyu bola ek din mein kya karoge fir तो एक दिन आप टेस्ट दोगे अगले दिन उसके analysis करोगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी है उसमें और जो जो गलतियां करी हैं उनको revise करते रहिए कि next test में वो गलती आप repeat ना करें सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी दैट शुड बी योर टाइम टेबल अब एक प्रॉब्लम यह आती है कि पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करे कहाँ से खत्म करें सो इफ यू नीड ग्रेटर हैंड होल्डिंग इन दिस सेक्शन तो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड लाइव क्लासेस कोशिश करिएगा कि सेल्फ स्टडी से काम चल जाए बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड ही नहीं रहता हिंदी मीडियम से किया होता है फॉर एनी अदर रीजन

एक और प्रॉब्लम यह थी कि शुरू में तो बड़ा जोश आता है कि अरे अच्छा आज तो स्ट्रैटेजी पता लग गया आज मैंने टाइम टेबल बना लिया तीन चार दिन वो टेस्ट देंगे उसके बाद कॉमन इश्यू आता है कि सर मेरा तो पूरा मोटिवेशन ही चला गया क्योंकि टेस्ट में तो मार्क्स आ नहीं रहे हैं और अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता और न्यूज़पेपर रीडिंग तो सर बहुत ही बोरिंग है और मैगजीन में तो मुझे समझ ही नहीं आता ऑथर कहना क्या चाह रहा है सर माई मोटिवेशन इज गॉन वॉट टू डू तो मोटिवेशन की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको नहीं पता कि वाई दे आर अपेयरिंग फॉर कैट सिंपल सा रीज़न यही है और इसके अलावा मैं बहुत ज्ञान दे सकता हूँ दुनिया भर का बट द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज दैट यू डोंट नो वाई यू वॉन्ट टू अपेयर फॉर कैट क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आप एम क्यों करना चाहते हैं तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा सो so, इसको ऐसे समझिए यू हैव डिसाइडेड समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू एम अब एम तुम्हारे लिए कुछ मीन है टू गेट समथिंग एल्स सो दिस इज द एंड रिजल्ट दैट यू वॉन्ट टू अचीव किसी के लिए वो पैसा हो सकता है किसी के लिए पोजीशन हो सकती है किसी के लिए कुछ और हो सकता है किसी के लिए नॉलेज हो सकती है सो रिमाइंड योर सेल्फ वाई आर यू डूइंग दिस रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दिस एंड रिजल्ट बाई प्रिपेरिंग फॉर कैट यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग वॉट डू वॉन्ट टू अचीव रिमाइंड यूर सेल्फ आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा अगर आपको मोटिवेशन कम हो रहा है दैट सिंपली मीन्स कि आप सिंपली ऐसे ही किसी दोस्त ने बोल दिया इसीलिए कैट की तैयारी कर रहे हैं या पड़ोसी सारे कैट की तैयारी कर रहे थे तो हम भी कर लेंगे या किसी को टीवी पे देख लिया अरे इतने फलाने आई से पढ़ा हुआ है या इस कॉलेज से पढ़ा है तो इसलिए मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ सो यू डोंट हैव योर ओन रीज़न क्योंकि अगर आपके खुद का रीज़न है खुद का मोटिवेशन है तो आपको पता रहेगा कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ सो इफ़ यू आर लूजिंग मोटिवेशन ट्राई टू फाइंड आउट वाई यू आर डूइंग इट एंड इफ यू आर नॉट स्टेल एबल टू फाइंड आउट देन प्रोबेबली यू नीड टू रिकन्सिडर योर चॉइस तो मोटिवेशन का ये हो गया भाई हमारा अगला क्वेश्चन था कि वो कैबलरी का क्या करें अब वो कैबलरी के लिए एज आई सेट कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बट इन द एग्जाम्स लाइक आई एफ टी इन द एग्जाम्स लाइक स्नैप और एन मैट में तो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो कैब कार्ड्स देते हैं सो दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वे टू प्रिपेयर फॉर वे कैबलरी उस बुक को बैठ के रखते रहो और वो कभी याद रहते नहीं है सो आई विल नॉट सजेस्ट दिस थिंग हावेवर इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू यू कैन कंटिन्यू विद इट तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है बट आई विल नॉट पर्सनली सजेस्ट दिस टू एनी वन देन देर आर सेट बुक्स इन द मार्केट जो वो कैब की तैयारी करा देती हैं लेकिन अभी बुक्स को पढ़ने का टाइम नहीं है दिस इज़ अ गुड अप्रोच बट यू डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड द इंटायर बुक जस्ट फॉर व कैब तो इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए फॉर द पॉजिटी ऑफ टाइम इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ वन गुड अप्रोच इज टू रीड वन आर्टिकल डेली इफ यू आर पार्ट ऑफ अर व्हाट्सएप ग्रुप आपने देखा होगा कि आई यूजअली पोस्ट वन आर्टिकल ऑन द ग्रुप उस रीडिंग से आपको क्या हेल्प होगी यू विल बी एबल टू फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स तो एक वुकैब नोटबुक बनाइए उसमें वो नए नए जो वर्ड्स आएंगे वो लिखिए तो अगर एक आर्टिकल आप डेली पढ़ रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट काउंटेड इन दिस 150 फिफ्टी आर ये मत सोचिएगा सर आर्टिकल एक घंटे में पढ़ा था तो एक घंटा तो, तो यही हो गया दिस इज़ इन एडिशन टू दोज वन फिफ्टी आर वो सिर्फ हमारे वी आर सी की प्रैक्टिस के लिए हैं वन फिफ्टी आर तो अब आप कहेंगे इतना टाइम कहाँ से लाएँ तो इतना टाइम कहाँ से लाएँ जो आप वेब सीरीज़ देखते हैं या जो आप सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक एट्सेट्रा पे उसमें से वो रीडिंग के लिए एक आर्टिकल के लिए टाइम निकालिए दैट इज़ हाउ यू नीड टू फाइंड आउट टाइम क्योंकि अपनी प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी वॉट इज़ योर प्रायरिटी वेब सीरीज़ और कैट सो दैट यू नीड टू आंसर अगर वेब सीरीज़ है तो फिर कैट छोड़ दो किसी की प्रायोरिटी ये भी हो सकती है सर नहीं मुझे तो मूवीज़ ही देखनी है सो इट्स बेटर देन टू लीव द आइडिया ऑफ कैट सो वो कैब की नोटबुक बनाइए उसमें वर्ड्स लिखिए और नाइन्टी डेज़ में अगर एक दिन में आप टेन वर्ड्स लिखते हैं तो यू विल बी एबल टू कम्प्लीट नाइन हंड्रेड वर्ड्स नाइन हंड्रेड इज़ मोर देन इनफ फॉर वोकेबली इन एम बी एंट्रेंस एग्जाम तो ये हो गया आपका वोकैब का सॉल्यूशन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टूडेंट्स आफ्टर अगेन थ्री फोर डेज दे स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस तो फिर से वही मोटिवेशन वाली बात आ जाती है तो कंसिस्टेंसी आपको मेनटेन करनी पड़ेगी उसके लिए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप पर भी मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ शुरू में बड़े जोश के साथ वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक दो हफ्ते बाद सब जोश ढीला हो जाता है तो ऐसे मत बने बिकॉज आपका एग्जाम है आपका करियर है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं What strategy to use during the exam? अब अब टू यूज ड्यूरिंग द एग्जाम आपके सामने एग्जाम आ गया है और आप एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं या आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपके पास एक घंटा है और आपके पास 34 फोर क्वेश्चन है वी के अब क्या स्ट्रैटेजी यूज करें तो वी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है You have five RCs. पिछले कुछ सालों से तो यही आ रहे फाइव आरसी होते हैं ट्वेंटी फोर क्वेश्चन एंड यू हैव टेन वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन एंड यू हैव सिक्सटी मिनट्स एज आई सेबल एबिलिटी में यू नीड टू डिवोर्ट अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स मैक्स क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो वन पॉइंट फाइव टू टू मिनट पर क्वेश्चन इट शुड बी डन इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आर के लिए फिर कितना टाइम बचा हमारे पास फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स अब आपका जो टारगेट था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं वो आपने अपने हिसाब आप से बनाया होगा अब चलते हैं वापस कि अपने टारगेट के अकॉर्डिंग यू नीड टू फाइंड आउट कि मुझे कितने आर करने हैं तो यू आर टारगेटिंग नाइनटी नाइन परसेंट आई देस्ट सिक्स करेक्ट सेक्ट करने हैं तो यूनिट टू अटेम्प्ट ऑल द आर सी कुछ लोग कहते हैं सर मैं एक आर सी तो छोड़ ही दूंगा तो छोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है इस एग्जाम में इफ यू आर टारगेटिंग 99 नाइन परसेंट आई क्योंकि अगर आप एक आर सी छोड़ देंगे तो आपके पास बचेंगे आपने चार क्वेश्चन वाला एक आरसी छोड़ दिया ट्वेंटी क्वेश्चन में यू आर सेइंग कि मैं सेवनटीन टू एटीन करेक्ट कर लूंगा तो इफ यू आर दैट मच गुड इन दी ए आर सी सेक्शन तो आप एक छोड़ क्यों रहे हैं फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा सो इट्स बेटर कि आप सारे अटेम्प्ट करें इन केस यू आर टारगेटिंग ए वेरी हाई स्कोर क्योंकि अगर आप इतने अच्छे हैं कि बीस में से एटीन सही कर सकते हैं तो आपको बाकी एक जो छोड़ा है वो भी करना ही चाहिए फिर तो कुछ तो लेके आओगे उसमें इफ यू आर टारगेटिंग लेट्स ए अराउंड नाइन्टी टू नाइनटी फाइव परसेंट आई देन यू कैन थिंक अबाउटिंग वन डिफिकल्ट आरसी एंड अटैम्प्ट अदर फोर आर सीज तो डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट स्कोर यू शुड डिसाइड हाउ मेनी आर सीज टू अटैम्प्ट और ये दस क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करना ही है अनलेस अगर होता नहीं है वो अलग बात है बट ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल द टन क्वेश्चन जिसमें से अगर छह सात भी सही होते हैं तो यू विल भी गेटिंग ए डिसट इज हाउ यू शुड टू तो अगर आप पाँच आर सी करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव एट टू नाइन मिनट्स पर आर सी अगर आप चार आर सी करना चाह रहे हैं तो यू विल हैव अराउंड टेन टू इलेवन मिनट्स पर आर सी सो डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट आपकी आर सी की स्पीड डिसाइड होगी इफ़ यू वॉन्ट टू डूफ यू वॉन्ट टू गेट नाइन्टी नाइन परसेंटाइज देन यू नीड टू फिनिश वन आर सी इन इन एट टू नाइन मिनट्स इफ़ यू आर टारगेटिंग लेस परसेंटाइल नाइन्टी फाइव या नाइन्टी अकॉर्डिंगली टेन टू इलेवन मिनट्स यू कैन टेक

सो so, ऐसा मत करिए इफ़ यू आर स्टक इन अ क्वेश्चन देन लीव इट क्योंकि एक आर में पाँच क्वेश्चन होते हैं अगर आप तीन भी कर देते हैं तब भी आगे बढ़ सकते हैं या चार भी कर देते हैं यू कैन मूव अहेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली तो एट टू नाइन मिनट्स या टेन टू इलेवन मिनट्स जितना भी आपके टारगेट स्कोर के हिसाब से टाइम आ रहा है पर आर उस पर आप फोकस करिएगा एंड डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन सिंगल ऑप्शन और अ सिंगल क्वेश्चन क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेटर जानबूझ के आपको फंसाता है कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे के. और उसमें हर आर में एक दो फैक्चुअल क्वेश्चन भी होता है तो आर में क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं एक तो जनरल क्वेश्चन होगा कि मेन आइडिया बताइए या टोन बताइए या ऑथर का पॉइंट बताइए एक इंटरप्रिटेशन बेस्ड हो सकता है कि व्हाट इज द ऑथर सजेस्टिंग एक हो सकता है कि फैक्ट बेस्ड हो सिंपल जो हम स्कूल में आरसी करते थे स्कूल में कैसे आरसी होते थे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको देखो पैसेज में कहा है वहां से आंसर मिल जाता है तो फैक्ट बेस्ड आरसी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आरसी के होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि वट इज़ द इन्फ्लेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अब कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर मेरे से तो इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन ही नहीं होते क्या मैं छोड़ दूँ तो अगेन दिस इज अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है आई आई रिमेंबर वंस वेन वेन आई स्टार्टड टीचिंग इन 2012 और 13 देर वॉज ए स्टूडेंट अब जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता था वो उसका पहला क्वेश्चन होता था कि सर अच्छा ये प्रोबेबिलिटी है इसका तो सर एक दो क्वेश्चन ही आता है क्या मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ दूँ बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है सर टाइम स्पीड डिस्टेंस से तो एक दो ही क्वेश्चन आता है क्या इसको भी छोड़ दूँ सर सेट थ्योरी का तो पता नहीं कब आती है कब नहीं आती है क्या इसको छोड़ दूँ सो आई सेट टू हर कि भाई तुम कैट का एग्जाम ही क्यों नहीं छोड़ देती मतलब वाई आर यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन एवरी टॉपिक तो डू नॉट से कि मैं तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करूंगा ही नहीं मेरे तो होते ही नहीं है बिकॉज पैसेज में ही सारे आंसर्स हैं आपको कहीं अलग से तो नॉलेज लानी नहीं है द पैसेज इज इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन इज देयर ट्राई टू सॉल्व इट अंडरस्टैंड द पैसेज सो बेटर इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज रादर देन लीविंग द क्वेश्चन तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अब अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कैसे करें अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए यू नीड टू डाइवर्सिफाई Diversify what diversify your योर रीडिंग सो दिस the solution तो so हर एक दिन आपको अलग, अलग अलग आर्टिकल पढ़ना है अलग अलग जॉनर का अगर आप ग्रुप का पार्ट हैं, तो वहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ऑलरेडी कर देता हूँ आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स वहाँ पे मिलेंगे सो डाइवर्सिफाई योर रीडिंग सो दैट आपको अलग अलग टाइप के आर्टिकल पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए दैट इज द ओनली सोल्यूशन आई हैव इन दिस रिकार्ड सो आई होप आपके क्वेश्चन आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे वी आर सी से रिलेटेड आई होप ये स्ट्रैटेजी और ये टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे एंड डू लेट मी नो वेदर इट इज हेल्पिंग एक बार वापिस चलते हैं, सारे इश्यूज कवर हो गए क्या स्लो रीडिंग स्पीड की बात हमने कर ली है रीडिंग स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है यूनिट यू कैन बी ए स्लो रीडर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज By taking 3 4 minutes and don't waste time on questions. क्योंकि time waste होता है questions pe ना कि passage read करने में अगर question नहीं बन रहा है नहीं समझ आ raha hai तो leave it। अब ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन ही छोड़ दो सर कोई भी समझ नहीं है हमने तो पूरा पेपर ही छोड़ दिया सर आप ही ने कहा था तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं इंप्रूव वो कैब के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है रीड वन आर्टिकल डेली ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वर्ड्स एंड मेक ए नोट बुक उ मेनी क्वेश्चन टू अटैम्प्ट मैंने आपको बता दिया जितना आपका टारगेट स्कोर है उसी हिसाब से यू कैन डिसाइड हाउ टू स्टडी वो मैंने बताई दिया नंबर ऑफ आर्स सेक्शनल टेस्ट एंड सो ऑन एंड इफ यू कैन नॉट सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट अंडरस्टैंड इट एंड अटेम लीव द क्वेश्चन अननेसेरीली सो दैट सेट इन दिस सेशन होप यू लाइक डिट एंड होप यू विल यूज दैटेजी एंड टाइम टेबल विल मीट अगेन टिल देन गुड बाय